देखो एबीपी सांझा टाटा स्काई चैनल नंबर 1929 पे। पिछले 20 महीने में जब से कोविड आया है तो लगभग 8 महीने हमारे जिम पहले बंद रहे और अब जनवरी से फिर बंद कर दिए गए हैं। तो एक व्यवसाय जो पिछले 9 महीने बंद रहा हो 20 महीने में, आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो ग्रो करेगा? एक बहुत नेगेटिव सेंटिमेंट है जिम्स के खिलाफ। लोगों को लग रहा है कि क्यों हम अपनी जगह किराए पे एक जिम ओनर को दे, क्यों ना हम एक शराब का ठेका खोल ले, क्यों ना हम एक बार खोल ले जो कम से कम खुला तो रहता है। आज हमारी सरकार जो है वो इन सब चीज़ों के बारे में सोच रही है, चाहे वो बार हो चाहे वो रेस्टोरेंट हो, बट एक वो जगह जहाँ से आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है, जहाँ से आपकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, उसके बारे में कोई नहीं सोच रहा। जिम को सबसे पहले बंद किया जाता है और सबसे आखिरी में खोला जाता है। क्या जिम के लोग जो है उनके परिवार नहीं है? क्या उनको अपने बच्चों की स्कूल फीस नहीं देनी? क्या उन लोगों को अपने घर के किराए नहीं देने? पर हमारे बारे में कोई नहीं सोचता। तो ये एक बहुत बहुत कठिन समय है जो पूरी फिटनेस इंडस्ट्री के लिए है। पहले ही आप देखिए कि जो मकान मालिक है वो अपना किराया मांग रहा है, उसके बाद सरकारों ने अपने फिक्स चार्जेस लगाए हैं। बिजली का कोई भी पैसा, चाहे जिम बंद था, सरकार ने उस समय बिजली नहीं बनाई है, बट उसका फिक्स चार्ज भी हमने दिया है, पानी का फिक्स चार्ज हमने दिया है, स्टाफ की सैलरीज हमने दी हैं। तो हमने जैसे तैसे कैसे करके, किसी ने अपने बच्चों की एफडियां तोड़वाई हैं, किसी ने अपने वाइफ के गहने बेचे हैं, किसी ने अपनी सेविंग्स लगाकर आज तक का समय जो है वो निकाला था। बट अब ये जो लॉकडाउन लगा है ये हमारी कमर तोड़ देगा, बिकॉज अब जो है मकान मालिक ने भी बोलना शुरू कर दिया है कि आप जिम खाली कर दीजिए, हम किसी और को रेंट पे दे देंगे, हम किसी कपड़े की दुकान खोल लेंगे। कम से कम वो खुलती तो है, आपका जो व्यवसाय है वो तो बंद ही रहता है। 8 महीने पहले बंद रहा, ये 9वां महीना है। तो एक बहुत नेगेटिव सेंटिमेंट जो है आ गया है, एक फाइनेंशियल बर्डन के तले हमारे पूरे जिम ओनर भाई जो है वो आ गए हैं, क्योंकि 95% जिम जो दिल्ली में है वो किराए पे हैं। पंजाब और पंजाबियत की परछाई, अब देखें एबीपी सांझा टाटा स्काई चैनल नंबर 1929 पर। एबीपी सांझा देखने के लिए अपने केबल ऑपरेटर से अभी संपर्क करें। एबीपी सांझा, जोश जज्बा जुनून।